नमस्ते फ्रेंड, एग्रीकोफ्रेश मशरूम फार्म में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत। ये है वेस्टर्न मशरूम का स्पॉन जो प्लियोटा सजोर का जू, ये मैं एक नज़दीकी लैब से कलेक्ट किया हूँ। और आज इस वीडियो में मैं कैसे ऐसे स्पॉन का पैकेट घर में स्टोर करना चाहिए उसके ऊपर बात करूँगा। तो पूरा जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। जैसे कि आप सभी देख रहे हो, मैंने ये मशरूम का स्पॉन का पैकेट पॉलीथीन बैग में लेकर आया हूँ। आप लोग जो ज़्यादा स्पॉन ख़रीदते हो उन लोगों का स्पॉन बड़ा कार्टून बॉक्स में आता है, लेकिन ऐसे कार्टून बॉक्स या पॉलीथीन बैग में अगर हम लोग स्पॉन रख देंगे तो स्पॉन ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए उससे निकाल के हम लोगों को मशरूम का स्पॉन का पैकेट ऐसे मुँह ऊपर करके कोई भी सूखा जगह रखना चाहिए। इसका कारण मैं वीडियो का आगे बताऊंगा, तो जानिए इसके वजह। भी लोग जानते हैं पौधों की तरह मशरूम भी एक ज़िंदा चीज़ है जिसका ग्रोथ के लिए खाना और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। खाना तो पैकेट के अंदर जो सरसों का दाना है उससे मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पैकेट के अंदर गेहूँ का दाना है और इसके ऊपर जो ये सफ़ेद चीज़ है जिसे हम लोग मशरूम का माइसिलियम कहते हैं, कितने अच्छे तरह से ग्रोथ हुआ है। इसका दूसरा भी एक कारण है कि मैंने ये स्पॉन एक अच्छे लैब से कलेक्ट किया हूँ, जिसके वजह से हम लोग को ऐसे क्वालिटी स्पॉन मिलेगा जो दूसरा फंगस या बैक्टीरिया मुक्त होगा। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑक्सीजन। अभी पैकेट का ऊपर जो मुंह है उससे ऑक्सीजन इस पैकेट के अंदर आएगा, लेकिन अगर हम लोग लैब से ले आने के बाद इस स्पॉन का पैकेट पॉलीथीन या कार्टून में ही छोड़ देंगे तो उसके वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा और हम लोगों का जो स्पॉन का पैकेट का अंदर माइसिलियम है वो ख़राब हो जाएगा, जिसके वजह से बहुत लॉस भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा लैब से ले आने के बाद हम पैकेट से निकाल के या कार्टून से निकाल के हम लोग ऐसे मुँह ऊपर करके कोई भी सूखा जगह ऐसे करके रख देंगे। इसके वजह से पैकेट के अंदर माइसिलियम का ग्रोथ अच्छा होगा और हम लोगों को ऐसे अच्छा क्वालिटी स्पॉन मिलेगा। और जो जो चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा वो है, स्पॉन का पैकेट ऐसी जगह रखना चाहिए जो चूहा या दूसरा कीड़े मकोड़ों से दूर रहे, क्योंकि इसके अंदर जो सरसों का दाना है वो चूहा या दूसरा कीड़े मकोड़ों का बहुत ही उम्दा खाना है, जिसके वजह से वो मशरूम का स्पॉन का पैकेट ख़राब कर सकता है और हम किसान भाइयों का बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। और एक जो चीज़ है वो है, हम लोग जिधर स्पॉन का पैकेट स्टोर करने वाला है वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे फंगस या बैक्टीरिया है जो स्पॉन का माइसिलियम ख़राब कर सकता है। तो ये सारी चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए किसान भाइयों, वीडियो का आखिर में सभी चीज़ दोबारा से याद कर लेते हैं। नंबर एक, हम लोगों को एक ऐसी जगह स्पॉन का पैकेट रखना चाहिए जो बिल्कुल साफ़ सुथरा और सूखा हो। नंबर दो, वो जगह चूहा या दूसरा कीड़े मकोड़ों से मुक्त रहे। और नंबर तीन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है, स्पॉन का पैकेट पॉलीथीन बैग या कार्टून बॉक्स में नहीं रखना चाहिए, उसको निकाल के ऐसे मुंह ऊपर करके सूखा जगह में रखना चाहिए। सभी किसान भाइयों से निवेदन है, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मशरूम से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। एग्रीकोफ्रेश मशरूम फार्म के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाला सभी नया वीडियो तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार।